हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज की वैकेंसी के बारे में, जो कि अब सफदरजंग हॉस्पिटल में है। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन सी वैकेंसी जिसके लिए आवेदन कर सकते हैं, क्या आप किस तरीके से जो फॉर्म है फिलिंग के बारे में जान बात करेंगे। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस, सबसे पहले आप हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब की जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड, इसके हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं, जिससे कि आपको जानकारी दे सकूं। तो फ्रेंड, इसका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, 2 पेज का है। यहाँ पे आपको देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिस मेडिकल, आपका सुपरिटेंडेंट सफदरजंग हॉस्पिटल VMMC न्यू दिल्ली। यहाँ पे आपको 1 मार्च 2021 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन नंबर आप देखते हैं, द मेडिकल सुपरिटेंडेंट सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली इन्वाइट एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट SC/ST इकोनॉमिक फिजिकल कैंडिडेट के लिए फॉर द पोस्ट जूनियर रेसिडेंट इन नॉन PG MBBS थ्रू स्पेशल ड्राइव रिक्रूटमेंट वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल। जूनियर रेसिडेंट की नॉन PG की MBBS की वैकेंसी है। यहाँ पे ड्यूरेशन रेजिडेंस की आप देखते हैं, 1 year 2 subject फॉर 6 months ईच, आपके पे लेवल 10 का रहेगा, 56,000। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें, यहाँ पर सिलेक्शन विल थ्रू रिटन एग्जामिनेशन को, काउंसलिंग विल बी डन बाय बेसिस ऑफ मेरिट स्कोर, रिटन एग्जामिनेशन, अलॉटमेंट सीट वेरियस डिपार्टमेंट। क्वालिफिकेशन की बात करें, MBBS डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मस्ट बी आपका रजिस्टर्ड विद दिल्ली मेडिकल काउंसिल में होनी चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीट देयर इंटर्नशिप और या ऑन या आफ्टर 1/1/2017। DMC रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी, अटैच्ड विद एप्लीकेशन प्रोविजनल सर्टिफिकेट, रिसिप्ट विल बी नॉट कंसिडर। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको देखते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 67 है, इकोनॉमिक सेक्टर की 21, SC की आपकी 24, ST की 22 है, ठीक है। 14 सीट आपकी रिजर्व करेगी फिजिकली, जो कि 1 lakh औरतों है कैंडिडेट पर एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट नियम के अनुसार, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन शुड सबमिट कर सकते हैं आपको डेयरी एंड डिस्पैच सेक्शन ऑफ दिस इंस्टीट्यूट नियर गेट नंबर 2, नियर आपको बैंक बड़ौदा सफदरजंग हॉस्पिटल, यहाँ पे आपको दिन मिल जाएगा। एप्लीकेशन बाय सेंड आप कर सकते हैं पोस्ट मस्ट हैविंग रिटन प्रोमेंट्री ऑन द टॉप इन वनर ऑफ, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट जूनियर रेजिडेंसी नॉन PG, ठीक है। MBBS सबमिशन एप्लीकेशन आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, लिखना पड़ेगा। 1/3/2021 से लेकर 22/3/2021 तक आपको टिल 3 बजे तक आप कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन यहाँ पे देखते हैं, एप्लीकेशन एज पर द गिवन फॉर्मेट शुड बी आपको कंप्लीट सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए, परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम दिल्ली मेडिकल काउंसिलिंग का, इंटर्नशिप का आपका कंप्लीट सर्टिफिकेट होना चाहिए, 1 passport साइज फोटो, इकोनॉमिक सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट और तहसीलदार। अब बैंक आपका रैंक ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिजिकल डिसेबल्ड है, आपका सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अंडरटेकिंग मस्ट बी साइन बाई द कैंडिडेट जूनियर रेसिडेंसी। यहाँ पे आप देखते हैं डन प्रीवियसली एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट इफ सो पीरियड डिपार्टमेंट नेम एंड और अपीवेट डिपार्टमेंट का नाम और इंस्टीट्यूट का नाम, एप्लीकेशन फॉर्मेट इनकम्प्लीट अनसाइंड आपको सेल्फ अटेस्टेड होगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दिल्ली मेडिकल काउंसिल सर्टिफिकेट मैंडेटरी अटैच विथ एप्लीकेशन के साथ, ठीक है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं फॉर इकोनॉमिक कैंडिडेट अटैच सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे करना है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के साथ, विच मीन द पोस्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपका SC/ST का भी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपकी ये पूरी डिटेल थी, मैंने बता दिया फ्रेंड, ओनली एप्लीकेशन रेस्पॉन्स टू एडवर्टाइज विल बी कंसिडर। तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं, ये आपका फॉर्म है, इस फॉर्म को आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको लिंक नीचे दे दूंगा दोनों के, जिससे कि आप डाउनलोड कर सकें। यहाँ पे आपकी डिटेल आ रही है, यहाँ पे आपको फोटो, नेम, आपका फादर नेम, पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, आपका कैटेगरी के बारे में बताना है। यहाँ पे आपको बाकी डिटेल यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, परमानेंट DMC रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, डेट ऑफ कंप्लीट इंटर्नशिप के बारे में, ईयर ऑफ MBBS, नेम और यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, अंडरटेकिंग यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे चेकलिस्ट यहाँ पे आपको बतानी है, परमानेंट इंटर्नशिप, कास्ट सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट के एडमिट कार्ड के फिल आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट काइंडली डाउनलोड एडमिट कार्ड हॉस्पिटल वेबसाइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी डिटेल थी मैंने फ्रेंड आप लोगों को बताई है। तो अगर फ्रेंड ये वीडियो या इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज जरूर बताएं। ऐसी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने धन्यवाद।